नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी। 9 दिनों तक के त्योहार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। इनमें दुर्गा पूजा और कुमारी पूजा भी शामिल है। असम के पवित्र कामाख्या मंदिर में त्योहार के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। इस साल नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू होगी। 9 दिनों के त्योहार में देवी दुर्गा के कई रूपों की पूजा की जाती है। इनमें दुर्गा पूजा और कुमारी पूजा भी शामिल है। असम के पवित्र कामाख्या मंदिर में त्योहार के लिए खास तैयारियां चल रही हैं। दुर्गा पूजा का 7-1 दिवस से लेकर नवमी तक कुमारी पूजा भी समर्पण होते हैं। पूजा दुर्गा पूजा का भी इसमें सप्तमी अष्टमी नवमी का दिन में भैंस का भी बलि वगैरह होते हैं और दशमी का दिन पूजा समाप्त होने के बाद माँ का ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जन भी करा जाते हैं। नवरात्रि का जो दिन आता है उस दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है क्योंकि नवरात्रि एक होती है दुर्गा पूजा और एक होती है माता वैष्णो का नवरात्रि। उस दिन माता वैष्णो को सजाया जाता है, इतना सुंदर लगता है देखने में। वहाँ महादेव सबको लेके नवरात्रि में गणपति गणेश को भी लेके वैष्णो देवी सजाया जाता है, लेकिन इस बार हम सुने कामाख्या माता को सजाया जाएगा एकदम नवरात्रि में। जो देखने का वो भी देखेगा, हर इंसान कामाख्या माता को देखेगा जो नवरात्रि कैसा होती है। कामाख्या मंदिर में कृष्ण नवमी से शुरू होने वाली दुर्गा पूजा मनाई जाती है। ये त्योहार मंदिर के लिए खास होता है। नवरात्रि तो हम लोग को कामाख्या का दुर्गा पूजा थोड़ा स्पेशल है, अलग है। हम लोग नवरात्रि नहीं, हम लोग कृष्णा नवमी से दुर्गा पूजा स्टार्ट होता है। कृष्णा नवमी से शुक्ला दशमी तक ये 16 दिन का पूजा होता है। हम लोग को यहाँ कामाख्या का दुर्गा पूजा थोड़ा स्पेशल है। कामाख्या देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में एक है और इसे तंत्र साधना का केंद्र माना जाता है।